हाय एवरीवन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बथुए से कुछ ऐसी चीज़ जो सबको बहुत पसंद आने वाली है, नाश्ते में खाई जाती है। और मैंने यहाँ पर बथुआ ले लिया है, इस सीज़न का लास्ट है आई थिंक ये। तो मैंने यहाँ पर हरा हरा बथुआ ले लिया है और पानी चढ़ा दिया है उसको बॉईल करने के लिए। बथुआ एक्चुअली गर्म होता है बहुत ज़्यादा, सर्दियों की चीज़ है तो इसको बिना बॉईल करे नहीं बनाना चाहिए। सर्दियों में फिर भी चल जाता है, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अभी पानी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है और मैं इसमें बथुए को मैंने 3-4 बार अच्छे पानी में मैंने धो लिया है। 3-4 बार बिल्कुल, इसमें मिट्टी होती है तो अच्छे से धो लेना चाहिए। तो मैं जब चीले बना रही थी तभी मैं इसको साथ साथ में मैंने बॉयल करके रख दिया था। तो अभी आप देखिए कि मैं उसको ना चमचे की हेल्प से अंदर अंदर दबा रही हूँ। तो आपको भी ना बिल्कुल अच्छे से इसको उबाल लेना है। तो ये जितनी जल्दी उबल जाएगा उसको फिर हम निचोड़ेंगे नहीं, अभी इसको एज इट इज़ ढककर रख देंगे। तो जितना इसमें बॉयल आता जा रहा था मुझे उसको अंदर दबाना पड़ रहा था क्योंकि मेरा बथुआ काफ़ी सारा था, आधा किलो के आसपास बथुआ था। तो एक्चुअली ज़्यादा इसलिए लिया था क्योंकि ये गलने के बाद बिल्कुल अपने आप बहुत कम हो जाता है। तो अभी आप देखिए पत्ता भी मैंने टच करके देखा, बिल्कुल हो चुका है। तो मैं अब ढक के रख रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैं अब आटा भी लगा के रख रही हूँ साथ में ही। तो अब मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, मैंने कुछ और मिक्स नहीं किया है इसमें। और मैं इसमें केवल थोड़ी बहुत चीज़ें ही डालूंगी क्योंकि बाकी मसाले बथुए में पड़ जाएंगे। तो मैं इसमें केवल नमक डाल के इसको अच्छे से गूंथ लूँगी। तो देखिए मैंने बथुए को अच्छे से बिल्कुल निचोड़ के रख लिया था, तो बिल्कुल इसमें पानी अब नहीं है। इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल दबा दबा के निकाल लिया था। आप चाहें तो कपड़े से कर ले, मैंने हाथ से ही दबा के निकाल लिया था क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम डो भी ऐसा ही बना लेंगे, आटा भी हम ऐसा ही मार लेंगे जो बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे रोटी पराठे का बनता है वैसा ही। बिल्कुल अच्छे से गूंथ के इसको रखना है, इसमें कोई भी गांठें या कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर आप पहले गूंथ के रख रहे हैं तो इसे किसी अच्छे कपड़े से, गीले कपड़े से ढककर रख दीजिएगा जिससे इसमें पपड़ी ना आए, क्योंकि अगर पपड़ी आएगी आटे में तो पराठा भी फटता है। और बथुआ हो गया, आलू हो गया, जो भर के बनाने वाली चीज़ें हैं वो, उनके लिए आटा बहुत अच्छा चाहिए होता है, ताज़ा चाहिए होता है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये अच्छे से हो गया है। अभी ये थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था तो मैं इसे दोबारा से मसल रही हूँ क्योंकि अगर ये इसमें पानी होगा तो और छोड़ देगा। तो एक्चुअली में पानी निकलने लगा था तो मैंने इसे दोबारा से निचोड़ लिया था। तो जैसे मैं हाथ से अभी दबा दबा के निचोड़ रही हूँ ना, वैसे ही आपको भी निचोड़ना है इसको अच्छे से। और जितना पानी निकल जाएगा, जितना ये ड्राई हो जाएगा, उतने आपके पराठे अच्छे खस्ता बनेंगे, बिल्कुल अंदर से भुरभुरे से, आपको बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं, मसाला बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए कितना सारा पानी निकल गया था, कितना सारा पानी इतनी देर बाद भी इसने छोड़ दिया था। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है तो ये अच्छे से निकल गया था। तो मैंने एक दो पत्ते भी नहीं छोड़े आई थिंक उसके। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत टेस्टी, सर्दियों में तो बहुत बनता है हमारे घर में। तो अभी मेरे को लगा कि मैं आपसे शेयर ज़रूर करूं क्योंकि अगली सर्दी आने में बहुत टाइम है, तब आप बना सकते हैं इसको। अगर अभी मिल जाए तो ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा बथुआ मैंने किसी और चीज़ के लिए रख दिया, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी मैंने इसमें केवल 2 हरी मिर्च काट के डाली हैं और 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार ऊपर नीचे डाल सकते हैं। बहुत छोटा, थोड़ा सा चुटकी भर आप समझ लीजिए गरम मसाला केवल खुशबू के लिए। और 1.5 चम्मच धनिया और 1/4 चम्मच आमचूर का पाउडर डाला है जिससे हल्का सा टेस्ट एनहेंस हो जाए, अच्छा लगे थोड़ा सा। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से मसल मसल के, ये सारे मसाले जब तक इसके अंदर मिल ना जाए तब तक आप इसको गूंथ लीजिए और दबा दबा के करिएगा, जैसे मैं दबा दबा के कर रही हूँ ऐसे करिएगा। तो ये अंदर तक मसाले इसमें बैठ जाएंगे और देखिएगा थोड़ी देर बाद बिल्कुल भुरभुरा सा मसाला बन जाएगा एकदम इसमें, क्योंकि अब पानी बिल्कुल नहीं है। तो फटाफट पराठे बना लेते हैं अभी। तो मेरा आटा भी बिल्कुल अच्छे से देखिए सॉफ्ट तैयार है। तो मैं आपको पराठे बना के दिखा रही हूँ। जैसे मैंने पहले एक बार आलू के पराठे भी दिखाए हुए हैं, उसमें से भी बिल्कुल नहीं निकल रहा था और इसमें से भी नहीं निकलेगा अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो। तो अच्छे से आटे को पूरा मैंने मसल लिया था हाथ में, हथेली में लेके, और मैं केवल लोई को थोड़ा सा ही बड़ा बना रही हूँ जिससे मैं इसमें अच्छे से स्टफिंग कर सकूँ, अच्छे से मसाला भर सकूँ। तो इसमें आपको जितना भरना है ना आप भरिएगा, मैं तो अच्छे से भर भर के बनाती हूँ पराठे क्योंकि अच्छे से स्टफिंग हुए हुए पराठे अच्छे लगते हैं, सबको टेस्टी लगते हैं। तो ऐसे बनाएंगे ना तो फूले फूले पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे सारे।
तो देखिए मैंने चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है, अच्छे से दबा दबा के फोल्ड कर लिया है पूरा, और कहीं से भी अगर कोई भी ओपन रहेगा तो उसमें से मसाला निकल जाएगा। तो आप हथेली की सहायता से दबा दबा के और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, देखिए मैं जिस तरीके से उसको रोल कर रही हूँ ना, इससे क्या होता है कि मसाला चारों तरफ फैल जाता है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि पराठे में मसाला एक साइड को चला गया या खाली बीच बीच में रह गया या फिर बिल्कुल किनारे तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में अभी आपको जैसे मैं बेल रही हूँ ना, बिल्कुल किनारे किनारे पर बेल रही हूँ, बिल्कुल घुमा घुमा के। अगर आप घुमा के नहीं बेल सकते तो आप आराम आराम से भी बेल सकते हैं, और बिल्कुल किनारे किनारे से बेलिएगा तो देखिए बिल्कुल मसाला पूरे में फैल चुका है चारों तरफ। ऐसा कोना कोई नहीं है जहाँ पर मसाला नहीं है, और फटा भी नहीं है बिल्कुल पराठा। तो मैं एक और आपको फटाफट से इसी के साथ बना के दिखा रही हूँ, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकें फटाफट। तो देखिए मैं बिल्कुल लोई को थोड़ा थोड़ा बेल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बेल रही हूँ, और मैं मसाला बिल्कुल अच्छे से, आपने देखा ना मैं कितना सारा मसाला भर भर के बना रही हूँ, तो आपके सामने दोबारा से भर रही हूँ, क्योंकि मेरी इसमें जो हरी मिर्च है वो सारी एक जगह कभी कभी मिल जाती है ना, तो एक लोई में ना चली जाए इसीलिए मैं उसमें से देख देख के कर रही थी। तो जो गीला मसाला होता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्चियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो आप ध्यान से करिएगा। और देखिए बिल्कुल मैंने वैसे ही दोबारा से लोई को घुमा घुमा के किया है, आप आराम आराम से कीजिएगा, स्टार्टिंग में बहुत आराम से काम कीजिएगा और जल्दी जल्दी बन जाते हैं अपने आप, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा आटा लगा के, कोई बहुत ज़्यादा पॉलिथन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल अच्छे से बेल रही हूँ घुमा घुमा के इसे। आप हल्के हल्के से करके बेलिएगा और कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो पराठा फटेगा तो फिर उसमें उतना टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए ये वाली लोई भी कितनी अच्छी बनी है, अब मैं बस लगा रही हूँ उस पर घी, और मेरा पराठा ब्राउन कलर का हो चुका है क्योंकि मैंने इसे तेज गैस पे सेका तो दोनों तरफ रोटी की तरह एक बार सेक लिया है। तो जब पूरा सिक जाए, अगर आप तेल तब लगाएंगे तो तेल कम सोखता है और आपको हल्का ही लगाना पड़ता है। तो देखिए मैं कितना कम कम तेल लगा रही हूँ, और अब देखिए मेरा पराठा चारों तरफ से फूल रहा है अपने आप ही, मैंने कुछ नहीं किया है, और ये मैं बिल्कुल दबा दबा के चारों तरफ से सेक रही हूँ। देखिए कितना ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी बना है एकदम से। तो मैं ये सर्व कर देती हूँ फटाफट से, और आपको दूसरा वाला दिखा देती हूँ। तो ये वाला पराठा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। लोई बनाते हुए अच्छे से ध्यान से जो मैंने बातें बताई है वो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे खस्ता पराठे बनते हैं इसके, और बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है, जैसे मेथी का अलग टेस्ट आता है, इसका भी अपना अलग टेस्ट होता है बथुए का, और बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो जो मैंने थोड़ा सा बथुआ बचाया था उसका मैं कुछ और आपको बताऊंगी, और वो भी हमारे घर में काफ़ी बनता है और अभी भी बन रहा है वो। तो देखिए ये वाला पराठा भी कितना अच्छा ब्राउन और क्रिस्पी बना है, तो आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा अगर आपको बथुआ भी मिल जाए तो। टेक केयर, बाय।